सीहोर शहर के विश्राम घाट स्थित मरीह माता मंदिर में आस्था और उत्साह के साथ चैत्र नवरात्रि का पर्व मनाया गया। इस मौके पर गुरुवार की सुबह 4 बजे से ही यहां पर भक्तों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था, जो देर रात्रि तक जारी रहा। नवरात्रि के अंतिम दिन यहां पर मौजूद श्रद्धालुओं के द्वारा माँ दुर्गा की नौवीं शक्ति माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना की गई और सुबह 10 बजे यहां पर जारी यज्ञ में पूर्णाहुति दी गई। इसके बाद भंडारे का शुभारंभ किया गया। लगातार 8 घंटे तक चले इस भव्य भंडारे में शहर सहित आसपास के आए करीब 15,000 से अधिक श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। व्यवस्थापक गोविंद मेवाड़ा, रोहित मेवाड़ा, मनोज दीक्षित मामा, पंडित उमेश दुबे, ज्योतिषाचार्य पंडित गणेश शर्मा आदि ने 2,000 से अधिक कन्याओं को चुनरी भेंट की और महिलाओं को सुहाग आदि की सामग्री प्रदान की। भंडारे का आयोजन सभी के सहयोग से किया गया था। वहीं देर रात्रि को महाअष्टमी के पावन अवसर पर हर साल की तरह महानिशा आरती का आयोजन भी किया गया था। अब शुक्रवार को देवी का विशेष श्रृंगार किया गया। हाँ आदरणीय रोहित भैया, ये कब से चल रहा है कार्यक्रम? ये सुबह 10 बजे चल रहा है। तो ये कब कब होता है अपने यहाँ? ये अपने चेत की नोटोडेम होता है और कुमार की नोटोडेम होता है। जी जी। तो ये रोहित भैया, हमने देखा है कि काफी प्राचीन मंदिर है, ये कितने साल पुराना है? ये लगभग 150 साल पुराना है। तो इसकी उत्पत्ति माता की कैसे हुई थी? माता की उत्पत्ति ऐसे हुई थी कि लोग ढोल चलाते थे, तो जगह जगह टोले पड़े थे सिंदूर के, ये सब इकट्ठे करे, धीरे धीरे करके वो तो गया। मेरा निवेदन ये था, लोग बाग अपनी 1 इंच भूमि नहीं देते और आपने मंदिर बनाने के लिए अपनी जमीन दे रखी है, कैसा मानते हैं आप? ये मन में बहुत अच्छा लगता है। सीहोर से धीरज साहू की रिपोर्ट। माझी मुंबई माझं घर किंग्स माय होम सायन्स सोनाबट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा, आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 67 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN News, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN News को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।